मेरा नाम कौशिकी है और मेरे चैनल का नाम कौशिकी राहुल कर्ण है। राहुल मेरे हस्बैंड का नाम है और मैं बिल्कुल न्यू हूँ यूट्यूब पे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियोज डालूँ वो आपको सबसे पहले नोटिफाइड रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैंने सोचा कि कुछ बिगिनर्स के लिए बनाया जाए, तो मैंने यहाँ एक बिगिनर्स मेकअप किट रेडी किया है जहाँ मैंने कुछ अच्छी चीज़ें और अफोर्डेबल चीज़ें भी ली हैं। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लूँ जो यूज़ आए, जो आप काम कर सको, जिसपे मैं सस्ती चीज़ें दिखा दूंगी और उसके बाद फिर वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो मैं वैसे चीज़ें नहीं दिखाना चाहती, इसे नहीं दिखाना चाहती। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें लेना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं। सब लोग सोचते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाने से फेस ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो फ्लॉलेस नहीं रहेगा, वो बिल्कुल केकी और पैची हो जाएगा। तो आपको एक सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए। सब स्किन टोन के लिए अलग अलग टाइप के मॉइस्चराइज़र आते हैं। आप अपने स्किन से चूज करके सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। तो मैं मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ दो तीन चीजें दिखा रही हूँ। पहला दूसरा ऑप्शन मैं दिखाना चाहूंगी, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये छोटी ट्यूब है, ये 40 रुपीज की आती है। ये इसकी बड़ी ट्यूब भी आती है 70 रुपीज की। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों का काम करता है। आप ये लगा लीजिए, ये थोड़ा टैकी है तो ये आपका फाउंडेशन स्टिक करने में हेल्प करेगा। आप ये लगा लीजिए, उसके बाद आपको प्राइमर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक्चुअली एलोवेरा जेल की उतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, मुझे प्राइमर ज्यादा सूट करता है इसलिए मैं प्राइमर यूज करती हूँ, पर ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है। ये आपको हर जगह अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ दो तीन चीजें दिखा रही हूँ। पहला मैं ये दिखा रही हूँ जॉनसन बेबी क्रीम। ये छोटा ट्यूब है, ये 45 रुपीज का है। इसका बड़ा ट्यूब भी आता है। ये सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप अपने फेस पे लगा लीजिए। थोड़ी देर सेट होने दीजिए, ये भी सीप इन हो जाए, उसके बाद आप प्राइमर का यूज कीजिए। तुरंत मॉइस्चराइजर लगा के स्टार्ट मत कर दीजिए अपना मेकअप, इससे आपका मेकअप जरूर ग्रीसी और ऑयली हो जाएगा। और जो मॉइस्चराइजर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी वो ये है, प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। के एक्ने प्रूफ स्किन और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है ये। थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है। और ये आप जिस मॉइस्चराइजर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी वो है ये प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, ये ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सा अमाउंट में यूज होता है और ये अपने फेस को बिल्कुल मैटिफाई कर देता है। ये 470 का है, बट ये नायका पे और purple.com पे सेल पे चल रहा रहता है, तो ये 380 का आपको आराम से मिल जाएगा। आई भी बस इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको ये है मैट जेल और SPF 50 PA++++। ये एक जेल फॉर्मूला है, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल आपके फेस को मैट कर देता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालियो का मैजिक परफेक्टिंग बेस फेस प्राइमर, ये 220 और 230 का पड़ता है। ये मैंने एक साइड कप्स एंड लैशेज है उससे लिया था। कप्स एंड लैशेज एक यूट्यूबर है निधि कटियार, उनका साइट है, उनका शॉप है जहाँ से मैंने ये लिया था। और वो बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी साइट पे रखती है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाए तो वहां से जाके चेक कर लेना और वहां से बिल्कुल सामान। उसके बाद चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले आप ये ले सकते हैं लैक्मे का परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन, ये 110 रुपीज का आता है। ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, पर इसको आप बिल्ड कर सकते हैं, ये अच्छा फाउंडेशन है। उसके बाद एक पैन स्टिक भी आता है, ये ओलिविया का पैन स्टिक है, मेरा शेड है टच एंड ग्लो। ये 120 रुपीज का आता है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपको फ्रेग्रेंस की प्रॉब्लम है तो इसको ना लीजिए। पर फाउंडेशन रिकमेंड करना चाहूंगी वो ये है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये 525 रुपीज का आता है, थोड़ा सा प्राइसी है बट ये डिस्काउंट पे चलता रहता है तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आप इसको ले लीजिए। आपको 2 साल तक आई थिंक इसका, हाँ 2 साल तक आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। ये कंसीलर की तरफ। कंसीलर के लिए मैं रेकमेंड करूंगी आपको ये मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप। ये बहुत अच्छा कंसीलर है,
बहुत अच्छा, ये 220 और 230 रुपीज का आता है। ये येलो टिंट में है, तो ये आपके अंडर आईज को बिल्कुल, अंडर आई सर्कल्स को बिल्कुल कवर कर लेता है। ये हाइलाइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसको लगाइए, इसके ऊपर से पाउडर टॉप अप कर लीजिए और यस, पाउडर्स कॉम्पैक्ट की तरफ, कॉम्पैक्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये। ये है मेबलिन का सुपर वाइट फ्रेश कॉम्पैक्ट, ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। ये आपके ऑयल को बिल्कुल सोख लेता है। अगर आपको मेकअप लगाने के कुछ घंटों बाद आपको लग रहा है कि आपका ऑयल थोड़ा सिक्रीट हो रहा है, आप इसको लीजिए, थोड़ा सा टैप कर लीजिए, ब्लॉट कर लीजिए, एंड आपका ये सारा ऑयल सोख लेगा। ये बहुत अच्छा पाउडर है। बिगनर इतनी सारी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए दिखाना चाहूंगी। ये है मैट लुक का स्टूडियो हाईलाइट पैलेट, वेल्वेट मैट टेक्सचर। मेरा शेड है 02, और ये आप इसको ले लीजिए। ये 330 और 320 रुपीज का आता है, आप इसको ले लीजिए, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक बहुत अच्छा मिरर है, और उसके बाद इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत अच्छे कलर्स हैं। यहाँ दो ब्लशर है और यहाँ दो कॉम्पैक्ट है, आप इसको ले लीजिए। आप इससे ब्रॉन्ज अप कर सकते हैं। सी यहाँ मिरर है, सॉरी, देखिए, आप इससे ब्रॉन्जर कर सकते हैं, आप इससे आईब्रो फिल कर सकते हैं। ये मैट ब्लशर है, ये शिमर वाला ब्लशर है, और ये दो मैट कॉम्पैक्ट है। अपने एक येलो है एंड एक ऑरेंज वाइट शेड में है, आप इसको ले लीजिए। आप बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट पैलेट है। आप ज्यादा हाई एंड पैलेट से ज्यादा अच्छा आप इसको ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। करने के बाद आपको आपका फेस कॉन्टोर भी करना पड़ेगा, तो आप एक कंसीलर से, अच्छा, आप ये सिवाना का वंडर स्टिक आता है, इसमें एक साइड कॉन्टोर है एंड दूसरी साइड कंसीलर है जो येलो टिंट में है, आप इसको भी ले सकते हैं। आपके फेस को चिजल्ड एंड हाईलाइट करने में ये बहुत अच्छा काम करेगा। सजेस्ट करूंगी आपको ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर है, ये 110 और 120 का आता है। यस, बट ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट हाँ, आप इसको यूज जरूर कर सकते हैं। उसके बाद समर्स चल रहे हैं, तो ये है नेल्फ यूएसए का वाटर प्रूफ आई लाइनर, ये सिर्फ 99 रुपीज का है, एंड यस, ये वाटर प्रूफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर लीजिए। बिगनर्स के लिए मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी कि आप पेन लाइनर यूज कीजिए, आजकल पेन लाइनर बहुत ट्रेंड में है। ये है मीनाओ का पेन लाइनर, और ये जेट ब्लैक है, ये वाटरप्रूफ लाइनर है। ये है एचआर का पेन लाइनर, ये भी जेट ब्लैक है, ये भी वाटरप्रूफ लाइनर है, आप देख सकते हैं। सी दिस, आप आराम से विंग लाइनर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये है यांकिना का, ये भी पेन लाइनर है, बाद ये काफी टाइम चलता है और ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगी जेल लाइनर, ये है इन कलर कॉस्मेटिक्स का जेल लाइनर, इसमें दो पॉड्स आते हैं, ये 220 रुपीज का आता है। इसमें एक ब्लू का, ब्राउन कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, इसमें ब्लू एंड ब्लैक भी आता है, ग्रीन एंड ब्लैक भी आता है, आपको जो मर्जी वो ले लीजिए। इसमें दो ब्रशेस भी आते हैं, एक फेल्ट टिप टाइप का है एंड एक एंगुलर है। आप इससे आईब्रो भी ग्रूम कर सकते हैं, बिकॉज ये ब्राउन कलर का है और जेल लाइनर है, बहुत स्मूथली आपके आईज पे रहता है और बहुत अच्छा दिखता है और बहुत देर तक रहता है, बहुत अच्छा आईलाइनर है ये। उसके बाद मैं काजल रिकमेंड करूंगी, काजल के लिए मैं रिकमेंड करूंगी ये स्टेको की कही है बैड एस काजल, ये वाटरप्रूफ है, ये बहुत अच्छा है, ये भी 110 और 120 का आता है। ये है आइकॉनिक, लैक्मे आइकॉनिक, ये 160 का 200 तक आ जाता है। और ये है एचआर का किल ब्लैक काजल, ये भी 160 का ये आता है। इन तीनों के पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, आप एक बार लगा लीजिए इसको, उसके बाद ये पूरा टाइम आपके आईज पे रहता है। मस्कारा के लिए मैं रिकमेंड करूंगी आपको ये मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, मेरे पास वाटरप्रूफ है, इसका वॉशेबल भी आता है। मैं बोलूंगी कि आप वाटरप्रूफ ही लीजिए, बिकॉज गर्मी में काफी टाइम तक आपके आईज पर रहेगा, जब तक आप इसको एक मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये कहीं जाएगा नहीं। और ये इसका वॉन्ड देखिए, ये बहुत अच्छा है, ये आपके आईज को बहुत कर्ल देता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देता है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगी आपको ये,
ये है बॉन्जोर का फेक आई लैशेस एंड ये है उसका ट्यूब जिसको मैंने बहुत यूज किया है, ये बहुत अच्छा है। फेक आई लैशेस कैसे लगाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। उसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे, जितना मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आप मेकअप करने के बाद इसको स्प्रे कर लीजिए तो ये आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मेरे पास दो रिकमेंडेशन है, ये किस ब्यूटी का एलोवेरा लेके मेकअप सेटिंग स्प्रे और ये मार्स का एलोवेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये 175 से 200 के बीच में आ जाता है, ये बहुत अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है और अफोर्डेबल भी है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद चलते हैं लिपस्टिक्स की तरफ। लिपस्टिक्स के लिए मैं दिखाना चाहूंगी कुछ ऐसी लिपस्टिक्स जो आप एक बार खरीदिए और ये काफी टाइम तक चलती हैं और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं। सबसे पहले दिखाना चाहूंगी ये है MN की लिप लाइनर। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लिप लाइनर्स यूज करना चाहिए अपने लिप को लाइन करने के लिए, उसके बाद आप यूज कीजिए लिपस्टिक। ये रेड शेड में है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, 10 रुपीज का है, इसका पूरा एक बॉक्स आता है 200 रुपीज का, इसमें 12 शेड्स होते हैं। ये है MN की किस प्रूफ, ये पाउडर मैट लिपस्टिक है, ये इसका शेड है 014, ये फूशिया पिंक कलर है, ये भी बहुत प्यारा पिंक कलर है, ये थोड़ी देर के बाद मैट हो जाता है। इसको लगाने से पहले आप लिप बाम लगाइए, उसके बाद आप इसको लगाइए तो ये काफी टाइम तक रहता है। ये है मेरी फेवरेट लिपस्टिक, ये है स्टेक वर्की की लिक्विड लिपस्टिक्स एंड मेरा शेड है किस बडीज, ये ब्यूटीफुल पीच कलर है। मैं आपको यहाँ पे सारे शेड दिखा दे रही हूँ, एक पिंक एंड एक पीच एंड एक रेड, मैं सारे शेड्स दिखा रही हूँ आपको, एक न्यूड, मैं सारे शेड्स दिखा दूंगी आपको। एंड ये है मीनाओ की लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लॉस, ये न्यूड शेड है एंड ये 80 रुपीज का है, ये न्यूड शेड है, कितना प्यारा है ये, बहुत अच्छा शेड है ये, ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है, बबल गम जैसी। हाँ आई एम सॉरी, ये 100 रुपीज का आता है एंड ये 300 का आता है, बट इस पर डिस्काउंट चलता रहता है, ये और कम का आता है, आ सकता है। उसके बाद जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है वो है ये है मैट लुक की डबल यूज लिपस्टिक, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इसके एक साइड है मैट लिपस्टिक एंड इसके एक साइड है ग्लॉस। आप लिपस्टिक लगा लीजिए उसके बाद ग्लॉस से टॉप अप कर लीजिए, ये आपके लिप्स पे पूरे टाइम रहेगा, चाहे आप खाना खाएं चाहे आप ऑयली मील खाएं, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैट लिपस्टिक है, इसका कलर कितना ब्यूटिफुल है और ये है इसका ग्लॉस, आप इसको उसके ऊपर टॉप अप कर लीजिए और ये पूरे टाइम आपके लिप्स पे रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओह आई एम सॉरी मैंने ये नहीं दिखाया, ये है वेट एंड वाइल्ड की ग्लिटर्स, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं और ये सिर्फ 135 रुपीज का आता है, आप ये ले लीजिए, आप कोई भी आई शेडो लगा लीजिए उसके ऊपर ये टॉप अप कर लीजिए, ये ग्लिटरी लुक देता है और ये बहुत टाइम तक आपके आईज पे रहता है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। उसके बाद जितना ज्यादा मेकअप करना जरूरी है उतना ज्यादा मेकअप टूल्स भी जरूरी है, ये है 5 का सेट मेकअप टूल्स, आई एम सॉरी ये डर्टी है बिकॉज मैंने इसको अभी यूज किया है, ये 10 5 इसमें आई ब्रशेस हैं एंड 5 इसमें फेस ब्रशेस हैं, सीरियस इसमें 5 बहुत अच्छा है, ये 500 के रेंज में आ जाता है एंड इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं ये, और इसका लिंक अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बहुत अच्छा है। उसके बाद आप ये स्पॉन्ज भी यूज करते हैं, बिगनर्स के लिए स्पॉन्ज बहुत सही रहता है क्योंकि आपको आराम होता है यूज करने में, आप स्पॉन्ज ज्यादा यूज कर सकते हैं, बहुत स्क्वीशी है ये, ये भी मैंने कफ्स एंड लैशेस से ही लिया था, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगी, आप जाके वहां पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेकअप लगाना जितना जरूरी है मेकअप उतारना
रिमूव करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिना मेकअप रिमूव किए हुए बिल्कुल भी बेड पे मत जाएं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी ये दोनों, ये है गार्नियर माइसेलर वाटर एंड ये है एडीएस का माइसेलर वाटर। आई नो ये ड्यूप है मेबलिन का, एंड ये ऑयल इन्फ्यूज माइसेलर वाटर है, तो ये वाटर प्रूफ मेकअप रिमूव करने में बहुत अच्छा है। आप इसको यूज करके देखिए, ये बहुत अच्छा माइसेलर वाटर है। ये 119 का इसका छोटा बॉटल आता है एंड ये 120 और 200 का आता है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज करके देखिएगा एक बार। ये है मेरी मेकअप किट, बिगनर्स मेकअप किट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिएगा एंड प्लीज भर भर के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं ऐसी वीडियो लेके आगे मैं आती रहूंगी। और अगर आपको मेरा बिगनर्स मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो काम करूंगी। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो के लिए बाय।